नमस्कार साथियों, मैं हूं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेकर आया हूं 13 जून का करंट अफेयर। दोस्तों, पहला सवाल है, भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में सबसे उच्च जोखिम वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों जानते हो, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। उस अभी वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है और राज्यपाल सी विद्यासागर राव है। लोकसभा की सीटें 48 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय आपदा सूचक का ड्राफ्ट रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं यूएनडीपी द्वारा तैयार किया गया है। सूचकांक के मुताबिक महाराष्ट्र सर्वाधिक आपदा जोखिम वाला राज्य है। उसके बाद में दोस्तों पश्चिमी बंगाल, यूपी और एमपी है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सर्वाधिक आपदा जोखिम है। जिला स्तर पर देखा जाए तो सर्वाधिक आपदा वाला जिला प्रवण जिला पश्चिम बंगाल का 24 परगना है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र का पूना जिला। ये सूचकांक देश के 640 जिलों के नुकसान महाचित्रण एवं सुभेद्यता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का तत्कालिक अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है दोस्तों अरविंद सक्सेना, यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूपीएससी दोस्तों, यूपीएससी भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 और 323 में उल्लेखित है और पूरे केंद्र के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। वर्तमान में भी कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद सक्सेना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पद के लिए केंद्र सरकार ने यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की अपेक्षा सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है? सही सवाल है दोस्तों आईएएस अधिकारी। केंद्र सरकार की ओर से 10 मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी के लिए वैकेंसी में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री की शुरुआत कर दी है, यानी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने के लिए यूपीएससी के परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे बड़ी अधिकारी अब सरकार का हिस्सा बन सकेंगे। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि इससे मंत्रालय देश के ज्यादा अनुभवी लोगों का लाभ ले पाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यात्रियों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुधारने एवं तेज करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? सही जवाब है दोस्तों रेल मदद। केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यात्रियों की शिकायत के निवारण की प्रक्रिया को सुधारने एवं तेज करने के लिए रेल मदद नाम से एक ऐप जारी किया। रेल मदद यात्रा के दौरान वांछित साथी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन नामक इस अनोखी मोबाइल एप्लीकेशन का विकास उत्तर रेलवे के द्वारा किया गया है। ये यात्रियों की शिकायतों को दर्ज करेगा, उन शिकायतों के निवारण की स्थिति के बारे में उन्हें लगातार जानकारी मुहैया कराएगा। साथ ही पीयूष गोयल ने रेल यात्रा के दौरान परोसे जाने वाले भोजन या खाद्य पदार्थों के बारे में रेल यात्रियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए IRCTC द्वारा विकसित एक नए मोबाइल ऐप मेन्यू ऑन रेल को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम का उपयोग कर कौन प्रथम बार बाढ़ के पूर्वानुमान जारी करेगा? सही जवाब है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नए सिस्टम और मिट्टी के परीक्षण के आंकड़ों की मदद से जल्दी बाढ़ का पूर्वानुमान भी जारी कर सकेगा। IMD Flash फ्लड गाइडेंस सिस्टम की मदद से इस सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी केंद्रीय जल आयोग बाढ़ की चेतावनी जारी करता है। FFGS की मदद से अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग बाढ़ का पूर्वानुमान जारी किया जा सकता है। इसके लिए उनकी भौगोलिक स्थितियों के अध्ययन और वर्षा के पूर्वानुमान से मदद मिलेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रक्षेप, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली ये सर्व प्रमुख एजेंसी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय जल आयोग
केंद्रीय जल आयोग देश के भीतर जल संसाधन के क्षेत्र में एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और ये बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौ संचालन, जब पेयजल आपूर्ति व जल विद्युत विकास के लिए सामान्य रूप से जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा प्रेषक देश कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों भारत। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 186,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। भारत अमेरिका के लिए विदेशी छात्रों का चीन के बाद दूसरा बड़ा प्रेषक है। छात्रों का चीन के बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा प्रेषक है। कोलकाता में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास केग हॉल ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर में गए विदेशी छात्रों के लिए शीर्ष गंतव्य है। पिछले 10 वर्षों में अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या दोगुनी हो गई है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन बैठक में किस देश ने पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाली चीन की परियोजना वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन नहीं किया है? सही जवाब है दोस्तों भारत ने। चीन ने 10 जून को संपन्न 18वें संघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत के सभी सदस्य देशों में से अकेला देश रहा जिसने पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाली चीन की परियोजना वन बेल्ट वन रोड का समर्थन नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा, विशाल संपर्क सुविधा परियोजनाओं में सदस्य देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि समावेशिता सुनिश्चित करने वाली सभी पहलों के लिए भारत की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। चीन के राजधानी दोस्तों आप जानते हैं बीजिंग है और उनकी मुद्रा रेमिटेंसी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन आता है आठवां दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संयुक्त नुकसान कितने करोड़ रुपए से अधिक का था? सही जवाब है दोस्तों 87,357 करोड़। दोस्तों वित्तीय वर्ष 2017-18 का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी द्वारा पेश किया गया ये नुकसान 87,357 करोड़ रुपए से भी अधिक था। घोटाले से सर्वाधिक प्रभावित पंजाब नेशनल बैंक था, पीएनबी था, लगभग 12,283 करोड़ रुपए के साथ ये शीर्ष पर था। इसके बाद दोस्तों आईडीबीआई बैंक था। 21 राज्य संचालित बैंकों में से केवल 2 इंडियन बैंक और विजया बैंक ने वर्ष के दौरान समीक्षा के तहत मुनाफा कमाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2017 में हुई हिंसा से भारत में जीडीपी को कितना प्रतिशत का लॉस हुआ है? तो सही जवाब है दोस्तों 9%। ऑस्ट्रेलिया संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस आईईपी दोस्तों ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलियाई संस्थान है। एक वैश्विक सर्वेक्षण में पता किया है कि 2017 में हुई हिंसा के कारण भारत की जीडीपी को 9% का नुकसान हुआ। ये नुकसान प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीब दोस्तों $40 यानी 40,000 रुपए से अधिक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने 163 देशों व क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। हिंसा से प्रति व्यक्ति ही नहीं बल्कि समूची अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन का मॉरिशस ओपन खिताब जीता है? सही जवाब है दोस्तों सिमरन सिंघी और थाकर। सिमरन सिंघी और रितिका थाकर की जो भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मॉरिशस सीनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीत लिया है। ये दोस्तों ये इसका इनका इंटरनेशनल सेकेंड खिताब है और सिमरन और रितिका अंडर 19 में भारत की शेष रैंकिंग की जोड़ी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये काफी बेहतर लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, मैं आपका दोस्त गोवर्धन दास। जय हिंद जय भारत। आरएस प्री मेंस और इंटरव्यू इन तीनों चरणों में प्रत्येक प्रकार का गाइडेंस आपको मिलेगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री और कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी हिस्ट्री का गाइडेंस आपको यहाँ प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।